बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ियाउल हसनैन है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स का दौरान कार्य लिया मैं। फिजिक्स चैप्टर सेकंड स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर अबाउट वेक्टर्स। दो किस्म की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, एक वो जिन्हें जाहिर करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड दरकार है और एक वो जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं, फिजिक्स की फाउंडेशन इन फिजिकल क्वांटिटीज का है, जैसे मास है, लेंथ है, टाइम है, फोर्स, मोमेंटम, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। दो तरह की होती हैं, एक को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन लाजमी दरकार है और एक को जाहिर करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। पहले डिफाइन करते हैं स्केलर को। स्केलर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा। फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब with magnitude only, ऐसे physical quantities जिन्हें describe करने के लिए सिर्फ magnitude दरकार हो उन्हें scalar कहते हैं। इसकी बहुत सी example है, for example distance, mass, speed, time, volume, density, temperature, pressure, ये सारे के सारे वो physical quantities हैं जिनकी description के लिए किसी direction की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज की मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करनी हो, कैलकुलेशन करनी हो, उनको प्लस करना हो, जमा करना हो, तरीका क्या क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक मास है 10 किलोग्राम का, दूसरा मास है 5 किलोग्राम। इनको जमा करने का आम रूल है, जो आम अरिथमेटिक रूल है, जिससे आप किसी भी डिजिट को जमा करते हैं। स्केलर्स को भी हम अरिथमेटिकली ऐड करते हैं, 10 + 5 = 15 किलोग्राम, ये टोटल मास आ गया। ये तरीका प्लस करने का अरिथमेटिक रूल कहलाता है। तो आप देखेंगे स्केलर्स are added by arithmetic rule. Scalars की calculation, scalars को जमा करने के लिए हम ordinary arithmetic rule ही adopt करते हैं। इसमें तीन बातें हैं, ऐसी physical quantities जिनको describe करने के लिए सिर्फ magnitude चाहिए, वो scalar हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल 5 एक नंबर है, अदद है, मैग्नीट्यूड है, मगर किस चीज़ की मैग्नीट्यूड है इसका पता तब चलेगा जब इसके साथ यूनिट लगाते हैं। मीटर लगा दें तो ये डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड है, मीटर पर सेकेंड लगा दें स्पीड की मैग्नीट्यूड है, किलोग्राम लगा दें मास की मैग्नीट्यूड है। तो नंबर विद यूनिट ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड कहलाती है। और ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड दरकार हो उन्हें स्केलर कहते हैं। इसकी दो चार एग्जांपल देते हैं और इन्हें प्लस करने का तरीका क्या होता है? अरिथमेटिक रूल। इसके मुकाबले वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन्हें डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब्ड
विद मैग्नीट्यूड एंड प्रॉपर डायरेक्शन। यहां मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दरकार। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, स्केलर है, जस्ट मैग्नीट्यूड है, इसके साथ डायरेक्शन लगा दें, नॉर्थ साउथ कोई भी डायरेक्शन लगा दें, तो अब ये स्पीड नहीं है बल्कि वेक्टर बन गया, वेलोसिटी बन गया। अगर 5 मीटर डिस्टेंस था, डायरेक्शन लगा दें ईस्ट, तो अब ये डिस्टेंस नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया। तो जहाँ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दरकार हो उन्हें वेक्टर्स कहेंगे। इसकी बहुत सी एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम, ये सारी की सारी वो क्वांटिटीज हैं जिन्हें डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन दरकार होता है। अगर इनको ऐड करना हो तो क्या आप सिंपल अरिथमेटिक रूल से वेक्टर्स को जमा कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर ईस्ट डिस्प्लेसमेंट है, इसमें 10 मीटर नॉर्थ जमा करना है, क्या ये सिंपल अरिथमेटिकली एड अप हो जाएंगे? 10 + 5 = 15 मीटर यहाँ तक तो हालात ठीक है, ईस्ट प्लस नॉर्थ कितना होता है? इसका अरिथमेटिक में कोई आंसर डायरेक्ट नहीं होता। सो वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड अरिथमेटिकली। वेक्टर्स की एडिशन के अपने असूल हैं जिन्हें ग्राफिकल या ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड कहते हैं। सो वेक्टर्स आर एडेड बाय ग्राफिकल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स। ये दोनों हम इसी बुक में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ग्राफिकल मेथड भी पढ़ेंगे, हेड टू टेल रूल, और ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड भी पढ़ेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। तो यहाँ भी 3 पॉइंट्स हैं, वेक्टर को डिफाइन कर दें, ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लाजमी दरकार है, इसके एग्जाम्पल बता दें क्या होती हैं और इसकी कैलकुलेशन का तरीका क्या होता है। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन, दो किस्म की रिप्रेजेंटेशन होती है, ग्राफिकल एंड सिंबॉलिक। फर्स्ट वी सी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबल अलामत को कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N, क्लोरीन का Cl, मेरा सिंबल ज़िया है, आपका अल्फाबेट पूछोगा तो सिंबल नाम रखना होता है। आपने किसी वेक्टर का नाम रखना है। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर इज एक वेक्टर है, इसका नाम रखना है। इसके नाम रखने के तमाम अख्तियार आपको हासिल हैं। अल्फाबेट में कोई भी इसका नाम रख लें, दो तरीके अडॉप्ट करने होते हैं। या तो इसका नाम आप किसी बोल्ड कैरेक्टर से रखें, बोल्ड फेस लेटर, ये भी वेक्टर का सिंबल होता है, या इसका नाम आप किसी भी लेटर से रख लें, स्मॉल लेटर से रख लें या कैपिटल लेटर से, और उसके ऊपर एरो हेड लगा दें, तो बोल्ड फेस कैरेक्टर भी सिंबल होता है वेक्टर का। और किसी स्मॉल या कैपिटल लेटर के ऊपर एरो हेड लगा दिया जाए, ये भी वेक्टर का सिंबल है। मैग्नीट्यूड के लिए सिंपल ए लिख दें या वेक्टर का मॉड ले लें, ये मैग्नीट्यूड को शो करेगा, स्केलर को शो करेगा। जब वेक्टर का मॉड ले लिया जाता है तो वो स्केलर बन जाता है, जस्ट मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट हो जाता है, वो आपको जस्ट मैग्नीट्यूड बताएगा उस वेक्टर की।
तो इस किस्म की रिप्रेजेंटेशन को हम सिंबॉलिक अलामती तौर पे वेक्टर को कैसे शो करते हैं। सेकंड है ग्राफिक, ग्राफिकली हम किसी वेक्टर को स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं। ग्राफिकली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन। ग्राफिकली किसी वेक्टर को हम सीधी लाइन से स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं। इस तरह उसका वेक्टर 5 सेंटीमीटर ईस्ट, नाम इसका मैंने ए रख लिया। इस ए वेक्टर को आपने लाइन से शो करना है। देखिए जान ये बताया, पहले आप डायरेक्शन रोटेशन लगाते हैं। डायरेक्शन में ऊपर नॉर्थ देते हैं, साउथ, राइट पे ईस्ट और लेफ्ट पे वेस्ट। ये स्टैंडर्ड डायरेक्शन है, ऐसे ही लगानी होती है। नॉर्थ हमेशा ऊपर, ईस्ट हमेशा राइट साइड। अब मैंने इस वेक्टर को लाइन से शो करना है। वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 5 सेंटीमीटर और डायरेक्शन है ईस्ट। आप एक लाइन ड्रा करें ईस्ट वेस्ट में, लाइन की लंबाई मैग्नीट्यूड को शो करती है। इतनी लंबी लाइन ड्रा करें जितनी वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। तो मैंने 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा कर ली। Length of the line is equal to magnitude. और direction के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? Arrowhead direction east के along है। East के along आप arrowhead लगा दें, तीर का निशान लगा दें, तो ये same vector A बन गया। इसमें दोनों चीजें हैं, magnitude भी और direction भी। So graphically, vector is represented by straight line, length of the line. Length of the line is equal to magnitude of vector. Line की लंबाई कितनी होगी? जितना vector की magnitude है. And arrowhead is along direction of the vector. तो ग्राफिकली हमने किसी वेक्टर को लाइन से शो करना है। फॉर एग्जांपल अगर वेक्टर है 70 किलोमीटर नॉर्थ, अब 70 किलोमीटर लंबी लाइन ड्रा करनी है, पॉसिबल नहीं है कि हम 70 किलोमीटर लंबी लाइन ड्रा करें। उसका तरीका ये होता है कि आपको पहले एक स्मॉल स्केल बनाना होता है। सुटेबल स्केल यूं बना दें, फर्स्ट करें 10 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर, 70 किलोमीटर विल बी 7 सेंटीमीटर। अब आप एक लाइन ड्रा करेंगे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, लाइन की लंबाई 7 सेंटीमीटर होगी और तीर का निशान नॉर्थ की तरफ, तो ये वही वेक्टर बी बन गया। So graphically, vector is represented by a straight line, length of the line is equal to magnitude of vector, and arrowhead is along direction of the vector. तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, कल से हम अच्छे से टॉपिक पढ़ेंगे। तो आपने डेली का काम डेली करना है, तैयार करना है। कोई भी इश्यू हो तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।